अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कबूतर के बच्चे आखिरकार क्यों मर जाते हैं, चाहे वो एक दिन का हो, चाहे वो एक दिन का हो या 10 दिन का हो या 20 दिन का हो या 1 महीने का। दोस्तों क्यों नहीं हो ऐसी, दोस्तों जो मैं आपको जो वीडियो में बताऊंगा ऐसी कमेंट तो दोस्तों मेरे पास कई बार आ चुकी है कि यार वसीम भाई, हमारा जो अंडे में से कबूतर के अंडे में से एक दिन का बच्चा निकला, दूसरे दिन मर गया। बच्चा 10 दिन का हो गया, बच्चा मर गया। बच्चा 20 दिन का, 30 दिन का, 1 महीने का हो जाता है, कबूतर के बच्चे मर जाते हैं। दोस्तों ऐसी कमेंट मेरे वीडियो के नीचे कई बार आ चुकी है। तो मेरे भाइयों, मैं इस वीडियो में आपको बारीकी से समझाऊंगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझना। और ये जो आपके जो भी मिलने जुलने वाले हैं, जो ग्रुप बने हुए हैं, उनमें आप शेयर करना, ताकि जो नए भाई हैं, नए शौकीन हैं, उन तक ये मेरी बात पहुँचे और वो समझे और वो गलती नहीं करे। दोस्तों गलती आप ही करते हो। अब बोलेंगे क्या, अभी चल रहा है ठंड का मौसम और एसी कमेंट भी मेरे पास कई बार आ चुकी है, वैसे में हमारे को बच्चे कौन से मौसम में पलवाना होगा तो हमारे बच्चे अच्छे पले, क्योंकि हमारे जो कबूतर के बच्चे हैं, जो हमारे जो कबूतर के बच्चे जो निकलते हैं वो हर मौसम में नहीं बनते, मर जाते हैं। ऐसी कमेंट भी आती है दोस्तों। तो मैं ये जो कमेंट के हिसाब से मैं दूसरी वीडियो बनाऊँ, बाकी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके कबूतर बच्चे क्यों मर जाते हैं, समझना दोस्तों। पहली बात, अभी जैसे कि ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में क्या होता है, अपनी लापरवाही। अब बोलो क्या, ठंड के मौसम में जब बच्चा एक दिन का निकलता है तो कभी उसके माँ बाप ने गलती से कभी ठंडा पानी पी लिया और बच्चे को वो ठंडा पानी पिला दिए, हालांकि लिक्विड पिलाते हो, बाकी खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ और गलती से वो ठंडा पानी बड़े कबूतर ने ठंडा पानी पिया और बच्चे को पिला दिया, तो क्या होगा, बच्चा उसी वक्त तो ख़त्म हो जाएगा। एक गलती और, दूसरी गलती और, कि जिस जगह पे आप अंडे बच्चे पलवाते हो उस जगह पे गंदगी होना, उस जगह पे गंदगी कैसी कि आपको बारीक बारीक इल्ली होती है, बारीक बारीक कीड़े होते हैं, उस जगह पे हो जाना या लाल चींटी हो जाना। काफ़ी कमेंट ऐसी भी आती है कि वसीम भाई, हमारे दर्गों में लाल चींटी बहुत जाती जाती नहीं है। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था, ये हो जाना, ठीक है। बच्चा जैसे निकलता है एक दिन का, 2 दिन का, कुछ दिन बाद होते हैं तो जो बारीक बारीक इल्ली होती है, कीड़े होते हैं या लाल चींटी होती है, बारीक इल्ली उसके अंदर घुस जाना या चींटी घुस जाना अंदर, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा, नहीं मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों दूसरा रीज़न ये हो जाता है, ने? और ठंड के मौसम में क्या होता है, ठंड लग जाना। ये जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो नए भाई हैं, नए शौकीन हैं, ये मसला हो जाता है। ये गर्मी के मौसम में क्या होता है, सफाई नहीं रखना, गंदगी होना, ठीक है ना, और उसके बाद मच्छर हो जाना दड़बों के अंदर, बारीक बारीक जो एक कीटाणु होते हैं वो हो जाना, जिस कारण बच्चों के चेचक माता फुंसी हो जाती है। हमने जो आपको बताया, ये चीज़ को आप नोटिस करना, आप है ना हर मौसम में कबूतर के बच्चे पलवा सकते हो। ये बाकी दोस्तों ये है कि आपको हर मौसम में पलवाने का तरीका ये आपको होना चाहिए। बाकायदा ऐसा नहीं है कि कबूतर अंडे बच्चे सब करता है, बाकी क्या होता है दोस्तों, अपनी ये पालतू कबूतर है, इसमें गलती से हमने क्या है ठंडा पानी रख देना सर्दी के मौसम में, तो क्या होगा, सोशली बात दोस्तों। जब वो बच्चा, अब दोस्तों एक बात और, कभी वो बच्चा बड़ा हो जाता है, 20 दिन का, 30 दिन का बच्चा बड़ा हो जाता है, तो कबूतर खुद बच्चे को, जब तक वो दड़बे के खंड में रहता है, तो खुद ही आता है नीचे, दाना पानी खाता है, बच्चे को दाना खिलाता है, तो बच्चा खंड में काफ़ी बड़ा हो जाता है। और जब उस बीच में आप बच्चे को उठा के नीचे डालते हो या बच्चा अपने मन से नीचे आता है, तो बच्चा बड़ा हो जाता है, वो बच्चा बड़ा हो जाता है, वो करीब 30 से 35 दिन का हो जाता है। जब वो नीचे उतरता है पेट भर के दाना नहीं खाता, जब वो बच्चा पेट भर के दाना ही नहीं खाएगा तो बच्चा भाई कैसे बचेगा, वो बच्चा कमज़ोर हो जाएगा।
एक बात दोस्तों और, जो जोड़े वाले जो कबूतर होते हैं उनको हर मौसम के हिसाब से दाना होता है। अब सर्दी में तो कभी आप बच्चे पलवाना चाहते हो तो दाना अलग होना चाहिए, गर्मी में अलग, सर्दी में अलग, या हर मौसम में दोस्तों अलग अलग दाने होते हैं। और ख़ास तौर पर जोड़े कबूतर को मिक्स दाना दिया जाता है, रोटी दी जाती है, ठीक है ना। और उनके आप टॉनिक, मैंने दो तीन दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला जिसमें मैंने आपको बताया था विम रोल, ग्रूटोन, पावर जेल, ए टू जेड टॉनिक, ये सब मल्टी विटामिन टॉनिक है, ताकतवर होती है। ख़ास तौर पे ये आपके पास जोड़े वाले कबूतर है उनको आप कभी आप उसको महीने में 5 से 6 दिन करोगे ना तो आपके जो कबूतर के बच्चे माशाल्लाह तंदुरुस्त बनेंगे। मैंने दोस्तों वो ये जो मैंने आपकी इस वीडियो में आपको जो मैंने बताया हूँ, बस गलती दोस्तों यही होती है। पहली गलती, बच्चे सर्दी के मौसम में कभी आप पलवा रहे हो और कभी बड़े कबूतर ने कभी ठंडा पानी पी लिया और बच्चे को ठंडा पानी पिला दिया, उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। और ठंड लगना, बच्चे स्कूल के बैठना, ठंड के कारण ही बच्चे मर जाते हैं सर्दी के मौसम में, या चींटी हो जाना है, कीड़े बारी बारी इल्ली हो जाना, उसके कारण ही मर जाते हैं बच्चे। सही से सिकाई नहीं होते बच्चे निकलते हैं, सही से सिकाई नहीं होते बच्चे, वहाँ मर जाते हैं। गर्मी के मौसम में दोस्तों यही गंदगी, बारीक कीड़े, मच्छर, चेचक, माता फुंसी के कारण ही बच्चे मर जाते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये जो मैंने आपको बताई हुई चीज़ को आप ध्यान रखना, गंदगी मत होन दो, हर मौसम के हिसाब से दाना पानी होता है। मैंने हर गर्मी के मौसम में आपको मैंने बताया था कि कपूर रखो, कपूर है, फिनाइल की गोली है, ये आप रखो, आपके हर एक खंड में रखो, वो रखने से एक भी मच्छर नहीं होगा, एक भी गंदगी नहीं होगी, आपके बच्चे ही माशाल्लाह अच्छे बनेंगे। तो दोस्तों कहने मतलब ये था आज की इस वीडियो में जो हमने बताया है वो बच्चे क्यों मरते हैं इसके ऊपर हमने आपको बताया है। और अगली वीडियो में हम आपको बताएँगे कि आपको हर मौसम में कैसे बच्चे पलवाना है, उनको दाना क्या देना है, उसको दोस्तों बारीकी से हम बताएँगे आपको कि आपको कौन से मौसम में कैसे बच्चे पलवाना है और क्या देना है क्या नहीं देना है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।